अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम इनटू क्लास 5। आवर सब्जेक्ट इज साइंस। प्लीज़ ओपन योर बुक। टुडे आवर थीम इज अर्सेल्व्स। आवर यूनिट नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। टुडे इज आवर लेक्चर नंबर 1। प्लीज़ ओपन योर पेज नंबर 2। Today the topic is 5 kingdom classification. Classification, this categorization is called classification. It can be defined as a method used by scientists to order living organisms into different groups. Therefore, scientists make a key to tell what organisms they are and which group they exactly belong to. And this key is called a classification key. Classification is essential because it helps scientists to identify organisms and break them down into groups. Students, फिर हम क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जब भी हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स को डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ हिस्सों में, फिर उसे नाम देते हैं ताकि कोई भी ईज़िली वो ऑर्गेनिज़म्स या वो लिविंग थिंग्स आसानी से तलाश कर सके या उसे पढ़ सके। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप लाइब्रेरी गए, वहाँ पर आपको कोई बुक पढ़नी है और अगर वहाँ पर किताबें क्लासिफाइड नहीं होंगी या डिवाइड नहीं होंगी पार्ट्स में, तो आपको बुक सर्च करने में प्रॉब्लम होगी। और अगर वो बुक्स डिवाइडेड होंगी पार्ट्स में, तो आप इजीली जो आपको बुक पढ़नी है वो आप निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। रॉबर्ट हार्वर्ड विटकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाइड कर दिया था इंटू डिफरेंट किंगडम्स इन 1969 में। उन्होंने किंगडम्स को क्लासिफाई किया। हमारे पास 5 किंगडम्स हैं, किंगडम्स ऑफ प्रोटेस्ट, किंगडम ऑफ मोनेरास, किंगडम ऑफ फंजाई, किंगडम ऑफ प्लांट्स एंड किंगडम ऑफ एनिमल्स। और फर्स्ट किंगडम इज किंगडम मोनेरा। द एग्जांपल ऑफ किंगडम मोनेरा इज बैक्टीरिया। दिस इज द बैक्टीरिया। और सेकेंड किंगडम इज किंगडम प्रोटेस्टा। द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा इज वॉलवर्क्स। वॉलवर्क्स इज स्पायरोगायरा एंड यूग्लेना। दिस इज स्पायरोगायरा एंड यूग्लेना। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम प्रोटेस्टा। देन आर थर्ड किंगडम इज किंगडम फंजाई। द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम फंजाई इज मशरूम्स, राइजोपस एंड यीस्ट। नाउ आवर फोर्थ किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू सब ग्रुप्स, vertebrates and invertebrates. The example of kingdom animalia is human being, lizard, bird, fish and cow. Then our last kingdom, that the kingdom is the kingdom plantae. Kingdom plantae is also divided into subgroups, flowering plants or non-flowering plants. These are the non-flowering plants and these are the flowering plants. And students, this is your assignment. You can take this assignment from a school and can submit your assignment in school. I hope you all have understanding about the classification. So thank you.